उनमें पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने SYL नहर निर्माण में अड़चन डालने पर आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा है। रामविलास शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद हरियाणा को पानी न देने की बात करके पंजाब के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। साथ ही रामविलास शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार आतंकवाद के पूरी तरह खिलाफ है। भारत में हुई आतंकवादी घटनाओं का मोदी सरकार ने करारा जवाब दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक अच्छी बात कही है कि हम हरियाणा के जितने राजनीतिक दल हैं, छोटे मोटे स्वार्थ को भुला करके हम सबको, चाहे कांग्रेस है चाहे इनेलो पार्टी है, हम सबको, JJP तो हमारी पार्टनर है, अजीत दुष्यंत चौटाला तो डिप्टी CM है, सब राजनीतिक दलों को आज, क्योंकि देश में एक ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री है जो न्याय करते हैं, उनसे मिलना चाहिए। मैं बधाई देता हूं हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री, बहादुर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने आतंकवाद की लड़ाई को इतना गंभीरता से लिया है। हमास के दरिंदों ने इजराइल में छोटे छोटे मासूम बच्चों की गर्दनें कतर दी, इजराइल की महिला सैनिकों के साथ जो किया वो कोई भी आंख उस दृश्य को देख नहीं सकती। और हमारे बहादुर प्रधानमंत्री ने सबसे पहले दुनिया में क्या आतंकवाद किसी भी सूरत का हो, किसी भी दुनिया के हिस्से में हो, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हम इजराइल के साथ खड़े।